75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर धूमधाम के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी तिरंगा फहराया और सीएम ने पहले ओटीएस स्थित आवास पर तिरंगा लहराया और फिर उसके बाद ओटीएस के बाद सीएम ने बड़ी चौपड़ पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ओटीएस स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया मुख्यमंत्री ने और ध्वजारोहण से पहले सभी अपने स्टाफ के साथ में, अपने कार्मिकों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में उन्होंने फोटो क्लिक करवाई, जो कि परंपरा रही है उसके मुताबिक, और फिर उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। दूसरी तस्वीर उसके बाद बड़ी चौपड़ पर पक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया। सभी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी चौपड़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से झंडा फहराया जाता है और साथ ही दूसरी तरफ जो है विपक्ष की तरफ से भी यहां पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण के बाद सीएम ने संबोधित भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी बातें कुछ हम आपको बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस संविधान निर्माताओं को याद करता हूं, उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और देश के निर्माण और आगे बढ़ाने वाले हर नागरिक को याद करता हूं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। विश्व में आज देश मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है और कोरोना में हर कर्मचारी डॉक्टर्स ने त्रासदी से बाहर निकाला और आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारी सरकार के गठन के कुछ समय हुए हैं और पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य करेंगे। राजस्थान देश का नंबर एक राज्य बनेगा, तो वही राम राज्य की कल्पना राम मंदिर के निर्माण से हुई है। बाबा साहब की कल्पना राम राज्य की थी और हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान विकसित प्रदेश आपके सपनों का राजस्थान होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन सभी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को खपा कर दिया। मैं आज के दिन उन सभी सैनिकों को भी याद करता हूं जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से लेकर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बुलंदियों को छू रहा है। आज देश हमारा पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपना योगदान निभाया है और आगे भी निभा रहे हैं, यही नहीं मित्र, आज हम दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बोलता है। लोग इस दृष्टि से भारत को देखते हैं कि आने वाले समय में इस विश्व का नेतृत्व करने वाला ये भारत ही होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं,
हमारी सरकार को गठन हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े काम कर रही है। आपने एक महीने में देखा है जिस तरह से हमने फैसले लिए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में से होगा, विकसित राजस्थान होगा।